तो आपको अतिरिक्त रूप में एक उपहार प्राप्त होता है, वो भी 10 UNTB टोकन का। और ये जो तरीका है कि आप पंजीकरण कर सकते हैं, अपने खाते को खोल सकते हैं क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन पर, इसकी मेहरबानी से आपको पहुंच मिलती है वर्ल्ड CRU टोकन और न्यू इकोसिस्टम तक। ये एक प्रकार का चालक है वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का। और जो मिशन है इस पूर्ण समुदाय का, न्यू समुदाय का, वो ये है कि आप कम से कम जो 15% पूरे विश्व का जन समुदाय है, हम उन्हें वित्तीय साक्षरता प्रदान कर सके। मुझे लगता है यकीनन ये मुमकिन है हमारे पास जो भी संसाधन है उनकी मदद से। लेकिन वापस बात करते हैं वर्ल्ड CRU टोकन के बारे में। आप कल्पना करें कि आप हमारे साथ पंजीकृत हो गए, आपने अपने क्रिप्टो वॉलेट का भी उत्पन्न कर लिया है, तो जो सत्र 4 है हमारे इस पाठ्यक्रम का, आपको वहां पे संपूर्ण जानकारी भी मिल जाएगी कि ये कैसे किया जा सकता है। और अगर मान लीजिए आपको अभी नहीं पता है इसके बारे में, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके लिए सभी जानकारी बकायदा उपलब्ध है सत्र नंबर 4 में। और आपको जो संपूर्ण जो नई प्रणाली है वहां तक पहुंच बनाने का मौका मिलेगा, और साथ ही एक मौका आपको ये भी मिलेगा कि आप वर्ल्ड CRU टोकन की खरीद कर सकें। तो जो राशि है जिसके साथ आप शुरुआत कर सकते हैं, सो 10 US डॉलर है। और अब मैं चाहती हूं आपके साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करना। आज अंतिम दिन है जब वर्ल्ड CRU का जो मूल्य है सो 80 सेंट है। कल से जो मूल्य है इसमें परिवर्तन हो जाएगा और ये 1 US डॉलर की लागत रखेगा। लेकिन बहुत शीघ्र, यानी मान लीजिए आने वाले बस कुछ ही दिन या सप्ताहों में, जो भी सीमित अवधि है हमारे पास कि आप वर्ल्ड CRU टोकन को खरीद सकते हैं, ये जो अधिकार है ये केवल और केवल योग्य निवेशकों के हाथ लगेगा। यानी वो सभी लोग जो कि योग्य निवेशक हो जाएंगे, जो कि प्रशिक्षण ग्रहण करेंगे, परीक्षा को पारित करेंगे, केवल और केवल वो लोग होंगे जो कि वर्ल्ड CRU टोकन की खरीद कर पाएंगे। इसलिए इस प्रकार की जानकारी को सीखने के लिए आप कृपया करके समय रहते इसका संपूर्ण लाभ उठाने की कोशिश करें। जितना मुमकिन है उतना ज्यादा लोगों के साथ इस बात को साझा करें जब तक कि ये स्थिति में परिवर्तन नहीं हो जाता। और सभी लोगों को मौका है आज कि आप इस स्थिति का लाभ उठा सकते हैं। जो आपकी अंतिम ट्रेन है उसके छूटने से पहले उस ट्रेन को पकड़ लीजिए और इस टोकन के धारक हो जाएं। साथ ही इस टोकन को जितना मुमकिन है उतने लोगों के साथ इस बात को साझा भी करें। तो यहाँ इस स्लाइड में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वर्ल्ड CRU टोकन को अनफ्रीज होने के लिए दो चीजें हैं। 365 दिन के बाद ये शुरू होता है डीफ्रीज होने के लिए, जहां आप इसे बेच सकते हैं, आप इसे किसी को उपहार स्वरूप दे सकते हैं, तो ये तरल हो जाता है। ये आप देखिए यहाँ तालिका, ये जो चार्ट है आप यहाँ देखिए कि अगर मान लीजिए अगर आपके पास 1000 वर्ल्ड CRU टोकन का पैकेज है, अगर आपने ये पैकेज को खरीदा है तो 365 दिन के बाद में ये जो पैकेज है अनफ्रीज होना शुरू हो जाएगा। और जो 1% है वो प्रत्येक 30 दिन में अनफ्रीज होगा। इसके बाद अगले 6 महीना में जो अनफ्रीजिंग दर होगा ये 1.5% होगा, 1.5%। और फिर 3 साल के अंतर्गत जो पूरा पैकेज है वो संपूर्ण तरीके से अनफ्रीज हो जाएगा। तो क्यों ये ऐसा है? क्योंकि ये एक लाभ की तरह मैं तो इसे देखती हूँ। शायद आप मुझसे सहमत ना हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो योजना बनाते हैं आप अपने कर्मों की, ये वाकई में एक अच्छी कला है, एक अच्छा कौशल है। धीमे धीमे ये जो टोकन है ये बाजार में धीमे धीमे आए, ये एक अच्छी उपलब्धि है, ये एक अच्छी कला है, मुझे लगता है एक अच्छी योजना है। और आपको ये समझने की जरूरत है कि किस समय अवधि के अंदर कितना प्रतिशत आपके टोकन का अनफ्रीज होने वाला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि अगर ये फ्रोजन रहता भी है तो भी ये आय को उत्पन्न करता है। और जो सबसे पहली प्रकार डिपॉजिट कर सकते हैं या इसे स्टेक कर सकते हैं, और जो ब्याज है जो आप प्राप्त करते हैं इस डिपॉजिट पर, ये बाकी अन्य ब्लॉकचेन टोकन में देखा जाता है, जिसे यूएनटी भी बोला जाता है, और इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। और मुझे लगता है यही वो कारण है कि जब आप महज शुरू जब करते हैं तब टोकन आपको फ्रोजन स्थिति में मिलते हैं, और ये जो टोकन है ये उस स्थिति में रहते हुए भी आपके लिए निष्क्रिय आय उत्पन्न करते हैं, वो भी यूएनटीबी के रूप में। तो अगर आपकी कोई रुचि है कि आप इसे बेचना चाहें बकायदा, आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर और जानते हैं एक और लाभ के बारे में, जो कि वर्ल्ड सीआरयू टोकन के बारे में है, और इसे कहा जाता है लॉयल्टी बोनस। तो ये वो धन है जो आप प्राप्त करते हैं, लेकिन लॉयल्टी, मुझे तो इसकी परिभाषा बहुत पसंद है। तो निष्ठावान भागीदार कौन है कंपनी का? ये वो व्यक्ति होता है जो कि संपूर्ण रूप से कंपनी के लिए निष्ठावान होता है। कंपनी के पास पहचान करने का कोई तरीका नहीं है ये पता लगाने के लिए कि क्या ये निष्ठावान है या नहीं। तो ये जो बोनस है ये आप कैसे अर्जित करते हैं? ये चालू माह में WCRU की बिक्री पर 5% शुल्क है, और ये जो प्रत्येक WCRU टोकन के लिए ये वितरित होता है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमें लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस प्राप्त हो, तो बिल्कुल इस माह भी हमें पिछले 2 महीना के लिए लॉयल्टी कार्यक्रम बोनस मिलने वाला है। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ये सुखद समाचार है। तो आइए मिलकर हम एक उदाहरण की ओर दृष्टि घुमाएं। सारी चीजें बहुत सरल हैं। मान लीजिए कि अगर $1 million की बिक्री हुई है पिछले माह, तो इसका जो 5% है सो $50,000 बनाएगा। तो हमें यहाँ ये समझना है कि जो संख्या है वर्ल्ड सीआरयू टोकन की, क्योंकि ये बिक्री पर है, तो जो संख्या बाजार के परिवर्तन पे उपलब्ध है, मगर हम तो क्योंकि उदाहरण के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये 25 बिलियन को हम देखेंगे जो कि बाजार में फिलहाल उपलब्ध है। अगर इसको हम 50,000 से विभाजित करते हैं तो हमें एक संख्या मिलती है जिसमें 5 शून्य है दशमलव के बाद, यानी डेसिमल के बाद, और फिर संख्या बनती है 5 शून्य के बाद 203851। तो अगर आप देखते हैं कि आपके पास कितने टोकन अपने पोर्टफोलियो में हैं, तो ऐसे में आप बिल्कुल अपेक्षा कर सकते हैं, और ये जो दर है इसको गुणा भी कर सकते हैं अपने टोकन संख्या से। तो यहाँ पर जो शुल्क होगा सो 0.02, यानी केवल 2 सेंट होगा। और मान लीजिए कि अगर 1 मिलियन की जगह 1 बिलियन बिक्री होती है, तो इसका 5% 50 मिलियन होता है। बहुत ही बढ़िया संख्या है। इसको आप वापस से विभाजित करते जो बाजार में कुल संख्या में ये टोकन उपलब्ध है उससे, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ जो संख्या है सो बदल जाता है कि दशमलव के बाद केवल 2 शून्य है, और उसके बाद 20385 डॉलर है। तो आप यहां देख सकते हैं यदि आपके पास 10,000 WCRU टोकन है, तो आपको जो कुल शुल्क आपका बनेगा वो $20,385 का होगा। और इसीलिए सारांश बैठक जो कि मासिक रूप से आयोजित होती है, वहां आपको वित्तीय रिपोर्ट देखने का मौका मिलता है, और वहां घोषणा की जाती है बिक्री की संख्या के बारे में। तो ऐसे में आप 5% उसकी गणना कर सकते हैं और उसको विभाजित कर सकते हैं जो बाजार में कुल संख्या में टोकन उपलब्ध हैं। और क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन हमें ये पारदर्शिता पूर्ण रूप से करने में सहयोग देती है, तो हम बिल्कुल इसकी जांच कर सकते हैं। और जो दूसरी प्रकार है वर्ल्ड सीआरयू की आय को अगर हम देखें, तो वो लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस है जो कि आप अर्जित कर सकते हैं
एक और टोकन के रूप में जिसे यूएसटीयू बोला जाता है। लेकिन यही केवल एकमात्र लाभ नहीं है वर्ल्ड सीआरयू टोकन का। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं ताकि आप बखूबी रूप से समझ पाए कि कैसे वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो काम करता है, कहां से लाभ हम प्राप्त करते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो को ध्यान पूर्वक समझने की जरूरत है। या वो सभी व्यवसाय या वित्तीय उपकरण जो कि आज पहले से ही इसके अंदर काम कर रहे हैं, तो हम लगभग 20 हमने बाजार के खंडों को चुना है और उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: शिक्षा, संस्कृति, आधुनिक परिवहन प्रणाली, सोने का क्षेत्र, वित्तीय और शेयर बाजार, क्रिप्टो बाजार और इत्यादि। तो यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं कि इस श्रृंखला में कुछ खाली जगहें भी हैं। क्यों खाली जगहें हैं? क्योंकि मान लीजिए कि अगर ये 20 खंड हम लोग कैप्चर कर लेते हैं तो हो सकता है कि सभी पोर्टफोलियो में शायद इंटीग्रेट नहीं होते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि ये जितने भी खंड हैं इन्हें भविष्य में इंटीग्रेट यानी शामिल किया जाएगा। तो हालांकि आज केवल 20 खंड हैं, लेकिन इसके ही उप खंड और होंगे भविष्य में। और जो स्टॉक बाजार है वो आज केवल 150 कंपनियों द्वारा प्रतिनिधित्व उसका हो रहा है। हालांकि इसी प्रकार से बहुत सारी और कंपनियां हैं जो कि पहले से ही लाभप्रद हो चुकी हैं, लाभ प्रदान कर रही हैं। और कुछ हमारे भागीदार कहते हैं कि जो पोर्टफोलियो का निवेश करना है ये बहुत धीमे धीमे लाभ कर रहा है। हालांकि बहुत सारे और ऐसे क्षेत्र हैं जो कि तीव्र गति से लाभ प्रदान करते हैं। लेकिन मैं सच बोलूं तो मुझे तो पोर्टफोलियो में निवेश करना ये बहुत पसंद है और विविधीकरण की अवधारणा नहीं देता। तो हो सकता है कि कोई और ऐसा खंड हो जो आपको इसी पोर्टफोलियो में से लाभ प्रदान करे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे आपको समझना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात कि अगर आप चाहते हैं कि वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो वो धन को आपके लिए लेकर आए, तो इसके लिए दो तरीके हैं कि पहला आप टोकन को या तो बेच दें या जो इसके ऊपर लाभ या परसेंटेज आप कमा रहे हैं उसे पुनर्निवेश करें वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो में, और साथ ही जो लाभ है उसका आप पुनर्निवेश करते हैं। तो आने वाले समय में हम इसके बारे में दोबारा बात करेंगे। तो ये दर्शाता है कि जो वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो है ये लगातार